कैसे मोह मनुष्य को भटकाता है और भ्रम में डालता है और इससे छुटकारा कैसे पाएं? इसी के पीछे का एक अद्भुत और सटीक उपाय हमें एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। योद्धा का पाठ। विजयनगर के हलचल भरे शहर में विजय नाम का एक युवा योद्धा रहता था। वह बलशाली, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। उसने कई लड़ाइयां जीती और पूरे राज्य में अपनी वीरता के लिए ख्याति प्राप्त की। हालांकि एक लड़ाई थी जिसे विजय को जीतना अभी बाकी था, आसक्ति के खिलाफ लड़ाई। विजय एक महान पराक्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ एक महान हृदय का व्यक्ति भी था। उसके मन में महिलाओं के प्रति कमजोरी थी, विशेषकर प्रिया नाम की एक खूबसूरत युवती के प्रति। वह दयालु बुद्धिमान थी और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। विजय उस पर मोहित हो गया था और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, प्रिया के प्रति विजय का लगाव और भी गहरा होता गया। उसने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उसकी सुंदरता और आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उनके दोस्तों और गुरुओं ने उन्हें लगाव के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन विजय ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह प्रिया के प्यार में अंधा हो गया था। एक दिन जब विजय महल के बगीचों में घूम रहा था, प्रिया के विचारों में खोया हुआ था, उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े अर्षि पर पड़ी। अर्षि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक ज्ञान था जो विजय की आत्मा को छेदता हुआ लग रहा था। योद्धा विजय, तुम मोह का बोझ हृदय में क्यों लिए फिरते हो? ऋषि ने नम्र स्वर में पूछा। ऋषि के प्रश्न से विजय हतप्रभ रह गया। उसने पहले कभी अर्षि से बात नहीं की थी, फिर भी ऋषि को उसके भीतर चल रही उथल पुथल का एहसास हो गया था। मैं उससे प्यार करता हूं अर्षि, मैं उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता, विजय ने जवाब दिया। उसकी आवाज में प्यार और दर्द का मिश्रण था। अर्षि ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह विजय की दुर्दशा को समझ गया हो। लगाव एक जंजीर की तरह है विजय, ये आपको जिससे आप प्यार करते हैं उससे बांधता है, लेकिन यह आपकी आत्मा को भी बांध देता है। यह आपके निर्णय को धूमिल कर देता है और आपको सच्चाई देखने से रोकता है। विजय ने अर्षि की बातें ध्यान से सुनी। उसका दिल एहसास के बोझ से भारी हो गया। अर्षि ने आगे कहा, तुम्हें आसक्ति के बिना प्यार करना सीखना चाहिए विजय, तुम्हें जाने देना और जिसे तुम प्यार करते हो उसे मुक्त करना सीखना चाहिए। सच्चा प्यार किसी पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें वैसे ही रहने देने के बारे में है जो वे वास्तव में हैं। शब्द विजय के दिमाग में ज्ञान का ताना बाना बुन रहे हैं। एक नई समझ आने के साथ विजय को प्यार और लगाव के सही अर्थ का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसे खुद को उन जंजीरों से मुक्त करना होगा जो उसे प्रिया से बांधती थी, तभी वह उससे सच्चा प्यार कर सकता था। उस रात टिमटिमाते तारों के नीचे विजय ने प्रिया को एक पत्र लिखा। इसमें उसने अपने दिल और आत्मा को व्यक्त किया, उसके प्रति अपने प्यार को व्यक्त किया, लेकिन यह भी महसूस किया कि सच्चे प्यार का मतलब उससे जाने देना है। जैसे ही उसने एक दूत के साथ पत्र भेजा, विजय पर शांति की भावना छा गई। वह जानता था कि उसने मोह से मुक्ति की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। विजय ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने कौशल को निखारा और वीरता और बुद्धिमत्ता के साथ अपने लोगों का नेतृत्व किया। और अपने दिल में वह आर्षि के शब्दों को मोह के अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में ले गया। एक दिन जब विजय एक बार फिर महल के बगीचों से घूम रहा था, उसने प्रिया को उसी पेड़ के नीचे खड़े देखा जहां वह आर्षि से मिला था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। प्रिया ने कहा, मुझे आपका पत्र मिला विजय, अब मैं समझ गई हूं कि आपने मुझे क्या बताने की कोशिश की थी, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में दुख और समझ का मिश्रण था। विजय उसके पास आया, उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। एक साथ बूढ़े अर्षि के पेड़ की निगरानी में उन्होंने यह जानते हुए गले लगाया कि उनका प्यार अब लगाव की जंजीरों से मुक्त हो गया है। और इसलिए योद्धा विजय ने सबसे मूल्यवान सबक सीखा कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता, केवल स्नेह का शुद्धतम रूप होता है जो प्रिय को मुक्त कर देता है। अंत में
विजय की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें वैसे ही रहने देने के बारे में है जो वे वास्तव में हैं। यह निस्वार्थता आसक्ति को त्यागने और प्रेम की सुंदरता को उसके शुद्धतम रूप में अपनाने का एक सबक है। तो दोस्तों, इस विषय पर एक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। गंगाधर की मुक्ति। मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में गंगाधर नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने आकर्षण, बुद्धिमता और व्यवसाय में सफलता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गंगाधर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और सीता नामक एक समर्पित पत्नी। हालांकि उनके जीवन का एक पहलू था जो उन्हें बहुत परेशान करता था, महिलाओं के प्रति उनका लगाव। गंगाधर हमेशा से एक आकर्षक व्यक्ति था। वह जहां भी जाता था महिलाओं को आकर्षित करता था। हालांकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने खुद को कई विवाहित संबंधों में फंसा हुआ पाया। इन रिश्तों से मिले अस्थाई रोमांच के बावजूद गंगाधर को गहराई से पता था कि उसके कार्य गलत थे और महिलाओं के प्रति उसका लगाव उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा था। एक दिन जब वह अरब सागर के शांत पानी के किनारे बैठे थे, तो गंगाधर की मुलाकात विद्याधर नाम के एक बुजुर्ग ऋषि से हुई। उनकी शांत आभा और बुद्धिमान आचरण से प्रभावित होकर गंगाधर ने ऋषि से बातचीत की। विद्याधर ने ध्यान से सुना जब गंगाधर ने महिलाओं के साथ अपने संघर्ष और लगाव की जंजीरों से मुक्त होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात कही। आर्षि ने गंगाधर की ओर करुणा भरी आंखों से देखा और कहा, मेरे बेटे, महिलाओं के प्रति लगाव एक आम पीड़ा है जो कई पुरुषों को परेशान करती है, लेकिन सच्ची मुक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने में निहित है। उन शब्दों के कानों में गूंजने के साथ गंगाधर को दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई। विद्याधर ने गंगाधर को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें आत्मखोज की आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन दिया। साथ में वे पवित्र मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर निकले, शांत जंगलों में ध्यान लगाया और तारों से जगमगाते आकाश के नीचे गहरी दार्शनिक चर्चाओं में लगे रहे। इन अनुभवों के माध्यम से गंगाधर ने महिलाओं के प्रति अपने लगाव के मूल कारणों को उजागर करना शुरू कर दिया और अपनी आंतरिक अशांति की गहरी समझ हासिल की। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, गंगाधर में गहरा परिवर्तन आया। महिलाओं के साथ उनकी बातचीत अब लालसा या असुरक्षा की जगह से नहीं, बल्कि सम्मान और करुणा की वास्तविक भावना से होती है। उन्होंने शारीरिक सुंदरता के सतही आकर्षण से परे देखना और किसी व्यक्ति की आत्मा के सच्चे सार की सराहना करना सीखा। एक दिन जब गंगाधर शहर की ओर देखने वाली धुंध से ढकी एक पहाड़ी पर खड़ा था, तो उसे अपने ऊपर एक स्पष्टता का एहसास हुआ। आत्मज्ञान के उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कब्जा या नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर अंतर्निहित दिव्यता का सम्मान करने के बारे में है। नए ज्ञान और आंतरिक शक्ति के साथ गंगाधर एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में मुंबई लौट आए। उन्होंने हर उस महिला की तलाश की जिसके साथ वे जुड़े थे और उनके कारण हुए किसी भी दर्द या पीड़ा के लिए विनम्रतापूर्वक माफी मांगी। अपने हार्दिक शब्दों और ईमानदार कार्यों के माध्यम से गंगाधर ने टूटे हुए बंधनों को जोड़ने और अतीत के घावों को भरने की कोशिश की। गंगाधर के परिवर्तन की बात दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को अपने स्वयं के लगाव पर विचार करने और मुक्ति का मार्ग तलाशने की प्रेरणा मिली। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो आत्म जागरूकता, क्षमा और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण है, और इसलिए महिलाओं के प्रति लगाव को पीछे छोड़ने की गंगाधर की यात्रा उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। अपनी परछाइयों को गले लगाने और अपने संघर्षों से ऊपर उठने में उन्होंने प्यार का असली अर्थ खोजा, एक ऐसा प्यार जो सीमाओं को पार करता है और सभी प्राणियों को अस्तित्व के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में एकजुट करता है। जैसे ही अरब सागर पर सूरज डूबा, मुंबई शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए गंगाधर गर्व से खड़े थे, जो परिवर्तन और नवीकरण का प्रतीक था। उनका हृदय अब मोह के बंधनों से मुक्त हो गया था। उनकी आत्मा आर्ष विद्याधर के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित उड़ते हुए पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर रही थी, और इसलिए गंगाधर की कहानी
वह व्यक्ति जिसने महिलाओं के प्रति अपने लगाव पर विजय प्राप्त की और सच्ची मुक्ति पाई, मुंबई की सड़कों और गलियों में गूंजती रही, यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी यात्रा जो हम कर सकते हैं वह भीतर की यात्रा है। दोस्तों, इस विषय पर एक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। साधु और आसक्ति का भ्रम भारत के हरे भरे जंगलों में बसे एक छोटे से गांव में स्वामी रवि नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग दिल, दिमाग और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। एक दिन माया नाम की एक युवती भारी मन से स्वामी रवि के पास आई। भौतिक संपत्ति, रिश्तों और इच्छाओं के प्रति लगाव के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए उसके चेहरे से आंसू बह निकले। वह उन चीजों के प्रति अपनी चाहत में फंसी हुई महसूस करती थी जो उसे अस्थाई खुशी लेकिन स्थाई दुख देती थी। बुद्धिमान साधु ने माया की दुख भरी कहानी ध्यान से सुनी और धीरे से मुस्कुराया। वह जानता था कि माया की पीड़ा की जड़ क्षण भंगुर चीजों के प्रति उसके लगाव में है, जिसमें रोमांटिक प्रेम के विचार के प्रति उसका लगाव भी शामिल है। स्वामी रवि ने माया को लगाव के भ्रम के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। वह माया को खिले हुए फूलों, सुगंधित जड़ी बूटियों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक सुंदर बगीचे में ले गया। जब वे बगीचे से गुजर रहे थे, स्वामी रवि ने एक नाजुक गुलाब की झाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, माया, क्या तुम इस गुलाब को देखती हो? यह सुंदरता, प्रेम और नश्वरता का प्रतीक है। इस गुलाब की तरह जीवन में सभी चीजें क्षण भंगुर हैं और अस्थाई। सच्ची शांति और खुशी पाने के लिए व्यक्ति को आसक्ति को छोड़ना सीखना होगा। माया ने स्वामी रवि के शब्दों का वजन अपने दिल में महसूस करते हुए सोच समझ कर सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि क्षण भंगुर सुखों के प्रति उसका लगाव रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसलती छाया को पकड़ने जैसा था। स्वामी रवि ने जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े आर्ष्य की कहानी साझा करके अपना शिक्षण जारी रखा। आर्ष्य ने अपना जीवन लगाव और वैराग्य की प्रकृति पर ध्यान करते हुए बिताया था और उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची स्वतंत्रता उन बंधनों को मुक्त करने में है जो किसी को भौतिक दुनिया से बांधते हैं। आर्ष्य के ज्ञान से प्रेरित होकर माया ने अपनी आसक्तियों और इच्छाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे बाहरी मान्यता, भौतिक धन और रोमांटिक प्रेम की लालसा ने उसकी दृष्टि को धूमिल कर दिया था और उसे सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव करने से रोक दिया था। स्वामी रवि के मार्गदर्शन से माया आत्म खोज और आत्म परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने जीवन की नश्वरता पर ध्यान लगाया, सचेतनता और करुणा का अभ्यास किया और अपनी अहंकार प्रेरित इच्छाओं से वैराग्य की भावना पैदा की। जैसे जैसे महीने बीतते गए, माया का दिल हल्का होता गया, उसका दिमाग साफ होता गया और उसकी आत्मा मजबूत होती गई। उसने हर पल की क्षण भंगुर सुंदरता की सराहना करना, बिना उससे चिपके रहना, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना बिना शर्त प्यार करना और जीवन के सरल सुखों में खुशी ढूंढना सीखा। अंत में माया को आसक्ति के बारे में स्वामी रवि की शिक्षाओं का गहन ज्ञान समझ में आया। उसने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता चीजों या रिश्तों पर कब्जा करने में नहीं है, बल्कि लगाव के भ्रम को दूर करने और वर्तमान क्षण की अनंत प्रचुरता को अपनाने में है। और इस प्रकार भिक्षु के साथ माया की यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे जैसे वह आंतरिक शांति, ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलती गई, उसका आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन जारी रहा। कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों या क्षणभंगुर लगाव से नहीं। अपने लगाव के भ्रम को त्याग कर और नश्वरता की सुंदरता को अपनाकर हम अपने जीवन के हर पल में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद पा सकते हैं। इस कहानी में लगाव और वैराग्य के विषयों को रचनात्मक और व्यावहारिक तरीके से बुना गया है, जिसमें साधु के ध्यान को नायक की आत्म खोज की यात्रा के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों, इस विषय पर एक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विकास के लिए अलगाव, हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में सीता नाम की एक युवा महिला रहती थी। सीता अपनी अद्वितीय सुंदरता, दयालु हृदय और दीप्तिमान मुस्कान के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। कई लड़के विवाह के लिए उसका हाथ मांगने आए,
लेकिन सीता ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने सादे जीवन से संतुष्ट थी। उसे धूल भरी सड़कों पर खेलते बच्चों की हंसी और भोर में पक्षियों के गायन की धुन में खुशी मिलती थी। एक दिन रवि नाम का एक सुंदर राजकुमार गांव में आया। रवि सीता की कृपा और आकर्षण की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उनका स्नेह जीतने की कसम खाई। उसने उस पर उपहारों की वर्षा की, चांद की रोशनी में उसका मनोरंजन किया और अपने अमर प्रेम का वचन दिया। सीता रवि के ध्यान से प्रसन्न होकर अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद खुद को उसके प्यार में पड़ने लगी। कई महीने बीत गए और सीता और रवि का प्यार परवान चढ़ने लगा। वे शहर में चर्चा का विषय थे। उनकी भक्ति और गहरे संबंध के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सीता को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी अब रवि की उपस्थिति से जुड़ी हुई थी और उसके साथ के बिना वह खोई हुई और अधूरी महसूस करती थी। एक रात जब सीता तारों को निहारते हुए जाग रही थी, एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। महिला की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं और उसकी आवाज रात में बहती सुखदायक नदी की तरह थी। उन्होंने लगाव के खतरों के बारे में बात की, दूसरों में खुशी ढूंढने की बजाय खुद के भीतर खुशी ढूंढने की जरूरत बताई। सीता ने ध्यान से सुना। उसका हृदय एहसास से भारी हो गया। वह जानती थी कि वह अपनी खुशी के लिए रवि पर बहुत अधिक निर्भर हो गई थी और वह खुद को इस निर्भरता से अलग करने के महत्व को समझती थी। बुढ़िया उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसके शब्द सीता के मन में मुक्ति के मंत्र की तरह गूंज रहे थे। अगली सुबह सीता ने एक निर्णय लिया। उसने रवि को यह कहते हुए विदा किया कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने के लिए अकेले समय की आवश्यकता है। रवि का दिल टूट गया था, लेकिन उसने सीता की पसंद का सम्मान किया, यह जानते हुए कि सच्चे प्यार का मतलब दूसरे व्यक्ति को विकसित होने देना है। अपने कमरे में अकेली सीता आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ी। वह किताबों में डूबी रहीं, कला में डूब गईं और प्रकृति के शांत एकांत में ध्यान करते हुए लंबे समय तक बिताईं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे अपनी कंपनी में, अपने दिल की धड़कन की लय में और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट में खुशी मिलने लगी। महीने वर्षों में बदल गए और सीता एक दुर्लभ ज्ञान और अनुग्रह वाली महिला बन गई। वह गांव में प्रकाश की किरण बन गई और दूसरों को खुशी और संतुष्टि के लिए अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित किया। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने के लिए आते थे और उसके अस्तित्व से निकलने वाली शांति और स्थिरता से आकर्षित होते थे। रवि भी अपने ढंग से बड़ा हो गया था। आसक्ति के बंधनों से मुक्त होकर वह आत्मखोज की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था और बाहरी स्रोतों के बजाय अपने भीतर खुशी ढूंढना सीख रहा था। और जब वह और सीता दोबारा मिले तो उनका प्यार पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था, जो एक दूसरे के व्यक्तिगत पथों की गहरी समझ पर आधारित था। और इस तरह सीता और रवि हमेशा खुशी से रहे। उनका प्यार खुद को आसक्ति से अलग करने की शक्ति का एक प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, कि दूसरे से प्यार करना उन्हें आजाद करना है, और सबसे बड़ा उपहार जो हम खुद को दे सकते हैं वह बढ़ने और विकसित होने की आजादी है। दोस्तों, इस विषय पर एक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। राहुल की दौलत भरी यात्रा। मुंबई के हलचल भरे शहर में राहुल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, एक सफल व्यवसाय, एक भव्य हवेली, महंगी कारें और उसके आसपास के सभी लोगों से प्रशंसा। हालांकि इन सभी विलासिता के बावजूद राहुल अपने भीतर खालीपन की गहरी भावना से दबे हुए थे। उनके जीवन में सच्चे आनंद और तृप्ति का अभाव था। एक दिन एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान राहुल की मुलाकात माया नाम की एक युवती से हुई। वह इस कार्यक्रम में एक स्वयं सेवक थी, जिसमें दयालुता और गर्मजोशी झलक रही थी। राहुल उसके वास्तविक स्वभाव से मोहित हो गया और उसे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी दोस्ती एक गहरे बंधन में बदल गई और इससे पहले कि राहुल को पता चलता, वह माया के प्यार में पागल हो गया था। जैसे जैसे उनका रिश्ता बढ़ता गया, राहुल का माया से लगाव बढ़ता गया। वह उसके साथ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। माया ने उसके सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाला, उसके दिल के खालीपन को प्यार और खुशी से भर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को एहसास होने लगा कि माया के प्रति उसका लगाव उसे खा रहा है। एक दिन राहुल ने अपने बुद्धिमान पुराने मित्र श्री पटेल से सलाह मांगी। श्री पटेल ने ध्यान से सुना,
जब राहुल ने माया को खोने के अपने डर और उसकी भावनाओं पर उसकी पकड़ को साझा करते हुए अपने दिल की बात बताई। श्री पटेल धीरे से मुस्कुराए और राहुल को एक कहानी सुनाई। बहुत दूर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा किसान रहता था। उसने जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से भरा एक सुंदर बगीचा लगाया था। अर्जुन ने प्यार और देखभाल के साथ अपने बगीचे की देखभाल की, प्रत्येक पौधे का दयालुता के साथ पालन पोषण किया। एक दिन एक तूफान आया, गांव को उजाड़ दिया, अर्जुन के बगीचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने नुकसान के बावजूद अर्जुन ने अपने बगीचे की नश्वरता को स्वीकार किया और आगे बढ़ गए, ये समझते हुए कि लगाव केवल दुख की ओर ले जाता है। राहुल ने श्री पटेल की बातों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि माया के प्रति लगाव उसे खुशी से ज्यादा दर्द दे रहा था। स्पष्टता के एक क्षण में राहुल को समझ में आ गया कि सच्चा प्यार स्वतंत्रता और विकास की अनुमति देता है, स्वामित्व और नियंत्रण की नहीं। भारी मन से राहुल ने माया को जाने देने का कठिन निर्णय लिया। वह जानता था कि उनका प्यार शुद्ध और अनमोल है, लेकिन वह वैराग्य के महत्व को भी समझता था। राहुल ने माया पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे उसे अपने रास्ते पर चलने की आजादी मिल गई। महीने बीत गए और राहुल ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपने व्यापारिक उद्यमों और परोपकारी प्रयासों में सांत्वना ढूंढी। उन्होंने लगाव और वैराग्य के बारे में जो सबक सीखा था उसे अपनाया, ये महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी बाहरी स्रोतों से नहीं भीतर से आती है। एक दिन राहुल को माया का पत्र मिला। उन्होंने उनके बीच मिले प्यार और एक दूसरे को सिखाए गए सबक के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। माया को वंचित बच्चों की मदद करने का शौक था और वह उनके जीवन में बदलाव ला रही थी। माया के शब्दों को पढ़कर राहुल मुस्कुराया। उसे गर्व और संतुष्टि का एहसास हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल और माया दोस्त बने रहे, दूर से एक दूसरे का समर्थन करते रहे। उनका बंधन रूमानी प्रेम से आगे बढ़कर आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित एक गहरा संबंध बन गया था। राहुल ने कृतज्ञता के साथ अपनी यात्रा को देखा, यह जानते हुए कि माया के प्रति अपने लगाव को छोड़ना ही उनके व्यक्तिगत विकास और ज्ञानोदय की कुंजी थी। उन्होंने जान लिया था कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की समृद्धि और आत्मा की गहराई में निहित है। और इसलिए राहुल और माया की कहानी प्रेम, वैराग्य और आत्मखोज की शक्ति का एक प्रमाण बन गई। उनकी कहानी ने कई लोगों को अपने भीतर सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, उन आसक्तियों को दूर किया जो उनके आध्यात्मिक विकास में बाधक थीं। अंत में राहुल को एहसास हुआ कि सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा था वह यह था कि प्यार किसी पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए स्वतंत्र करने के बारे में है। और उस एहसास के साथ राहुल को अपने दिल में शांति और तृप्ति मिली, यह जानकर कि उसने प्यार के सच्चे सार को अपना लिया है। दोस्तों, इस विषय पर एक और दिलचस्प कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव के मध्य में किसी अन्य से भिन्न एक स्कूल था। स्कूल अपने असाधारण शिक्षण स्टाफ और चरित्र विकास पर जोर देने के लिए जाना जाता था। इस प्रतिष्ठित संस्थान के शीर्ष पर बुद्धिमान और दयालु प्रिंसिपल कुमार थे। प्रिंसिपल कुमार सिर्फ एक प्रशासक नहीं थे, वह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक आदर्श थे। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए। वह तारा नाम की एक युवा खूबसूरत महिला थी, जिसे पढ़ाने का शौक था और उसका दिल दयालुता से भरा था। तारा अपने आकर्षक पाठ और देखभाल करने वाले स्वभाव के कारण जल्द ही छात्रों के बीच पसंदीदा बन गई। प्रिंसिपल कुमार सहित सभी ने उनकी प्रशंसा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिंसिपल कुमार और तारा में नजदीकियां बढ़ती गईं। उन्होंने शिक्षा, दर्शन और जीवन पर चर्चा करते हुए घंटों बिताए। उनका बंधन विशेष था, लेकिन सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति होने के नाते प्रिंसिपल कुमार जानते थे कि उन्हें तारा के साथ पेशेवर संबंध बनाए रखने की जरूरत है। एक दिन तारा भारी मन से प्रिंसिपल कुमार के पास पहुंची। उसने उसे लगाव के साथ अपने संघर्षों के बारे में बताया, खासकर रिश्तों के साथ। उन्होंने साझा किया कि कैसे उन्हें अतीत के अनुभवों को छोड़ना कठिन लगता था और इसका उनके वर्तमान और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रिंसिपल कुमार ने ध्यान से सुना, उनकी बुद्धिमान आंखें सहानुभूति से भरी थीं।
वह तारा की दुविधा को समझता था और जानता था कि उसे उसके लगाव के मुद्दों को दूर करने का रास्ता खोजने में मदद करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने उसके साथ एक कहानी साझा करने का फैसला किया, एक ऐसी कहानी जो एक मूल्यवान सबक देगी। कल्पना कीजिए, प्रिंसिपल कुमार ने कहना शुरू किया, एक सुंदर कमल का फूल एक तालाब में खिल रहा है। कमल का फूल अपने जीवंत रंगों और नाजुक पंखुड़ियों के साथ आश्चर्यजनक है। हालांकि कमल की जड़ें तालाब के कीचड़ भरे तल में हैं, अपने परिवेश के बावजूद कमल कीचड़ से ऊपर उठता है, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। तारा ने कहानी से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुना। प्रिंसिपल कुमार ने आगे कहा, कमल की तरह हमें भी अपने लगाव से ऊपर उठना सीखना चाहिए। हमें अतीत को छोड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम वास्तव में फल फूल सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लगाव हमें उस चीज से बांधता है जो नहीं है, लंबे समय तक वहां रहता है और हमें वर्तमान क्षण को अपनाने से रोकता है। तारा ने कहानी के पीछे के गहन संदेश को समझते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने अतीत के अनुभवों से खुद को अलग करने की जरूरत है, चाहे वे कितने भी सुंदर या दर्दनाक क्यों न हो। उसे वर्तमान में जीने की जरूरत थी, हर पल को खुले दिल और दिमाग से पूरी तरह से अपनाना था। उस दिन से तारा ने अपनी आसक्तियों को मुक्त करने पर काम किया। उन्होंने शिक्षण में अपना दिल लगा दिया, अपने छात्रों को सशक्त बनाने और सकारात्मक प्रभाव डालने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रिंसिपल कुमार ने गर्व के साथ देखा जब तारा आसक्ति की जंजीरों से मुक्त होकर और भी अधिक सुंदर आत्मा में विकसित हो रही थी। साल बीतते गए और स्कूल प्रिंसिपल कुमार के मार्गदर्शन और शिक्षिका तारा के समर्पण के तहत आगे बढ़ता रहा। उनका बंधन मजबूत, आपसी सम्मान और विकास और सीखने के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित रहा। प्रिंसिपल कुमार और शिक्षक तारा की कहानी दूर दूर तक फैली, जिससे कई लोगों को अपने जुड़ाव पर विचार करने और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची आजादी जाने देने और वर्तमान क्षण में जीने से आती है, ठीक उस कमल की तरह जो गंदे पानी के ऊपर खूबसूरती से खिलता है। और इसलिए प्रिंसिपल कुमार और शिक्षक तारा की विरासत जीवित रही, जो जाने देने और अनुग्रह और साहस के साथ जीवन को अपनाने की शक्ति का एक प्रमाण है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।